एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में हीरो नाम का एक दृढ़ निश्चयी युवा छात्र रहता था। अपनी जिज्ञासा और परिश्रम के बावजूद हीरो अक्सर खुद को अपने समय का प्रबंधन करने और अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हुए पाता था। अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हीरो अपने गांव के आसपास के घने जंगल से होकर यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, हीरो की नजर एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। प्रवेश द्वार ने उसे इशारा किया और प्रवेश करने पर एक बुजुर्ग भिक्षु ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बुद्धिमान और स्वागत करने वाले भिक्षु ने हीरो के आने के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। हीरो ने मार्गदर्शन पाने की उम्मीद में समय प्रबंधन और प्रभावी अध्ययन के साथ अपने संघर्षों के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए हीरो को बैठने के लिए आमंत्रित किया। मेरे मित्र, साधु ने कहना शुरू किया, तुम्हारी पढ़ाई में सफलता केवल कड़ी मेहनत करने से नहीं बल्कि होशियारी से काम करने में है। मुझे इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा करने की अनुमति दें। भिक्षु ने अपनी शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध एक बुद्धिमान गुरु की कहानी सुनाई। उनके कई छात्रों में से एक अपने हार्डवर्क, फोकस और टाइम मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। जब अन्य छात्रों ने गुरु से इस छात्र की सफलता के रहस्य के बारे में पूछा तो गुरु ने सरलता से उत्तर दिया, वह समय का मूल्य जानता है। कंफ्यूज होकर छात्रों ने सवाल किया, क्या हम सभी के पास समान समय नहीं है? मास्टर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वास्तव में हम सभी के पास समान मात्रा में समय है, लेकिन हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं यह हमारी सफलता या विफलता को निर्धारित करता है। कहानी से प्रेरित होकर हीरो यह सीखने के लिए उत्सुक था कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। उसकी झिझक को भांपते हुए भिक्षु ने आगे कहा, समय एक अनमोल संसाधन है। यह एक ऐसी चीज है जिसे एक बार चले जाने के बाद हम वापस नहीं पा सकते। यदि आप अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने समय को महत्व देना और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना होगा। भिक्षु ने हीरो को कार्यों को प्राथमिकता देने, एक संतुलित कार्यक्रम बनाने, ब्रेक लेने और ध्यान भटकाने से बचते हुए ध्यान केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित रहने की सलाह दी किया। जैसे ही हीरो ने मंदिर छोड़ा, उसे भिक्षु की शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस हुई। इसके बाद के वर्षों में हीरो ने एक नई दिनचर्या विकसित की जिससे उसे अपनी भलाई से समझौता किए बिना प्रभावी ढंग से अध्ययन करने की अनुमति मिली। उन्होंने कार्यों को प्राथमिकता देना, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेना और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना सीखा। अंततः हीरो एक सफल छात्र और विद्वान बन गया और बुद्धिमान भिक्षु द्वारा दिए गए मूल्यवान सबक को कभी नहीं भूला। जैसे ही हीरो की कहानी सामने आई, यह उस शाश्वत ज्ञान का प्रमाण बन गया कि सफलता केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है बल्कि कुशलतापूर्वक काम करने के बारे में भी है। ये कहानी हर किसी के लिए अपने समय को महत्व देने, अच्छी आदतें स्थापित करने और एक संतुलन खोजने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जो अकादमिक और जीवन दोनों गतिविधियों में सफलता की ओर ले जाती है। सुखद कहानी सुनाना और प्रेरणा और ज्ञान की और भी कहानियां आए। If you like the story, hit like, subscribe and turn on notification bell.